तो स्वागत है आप सभी का जल्दी खोलो के आज के इस नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे 15,000 के रेंज में, रेंज मतलब उसके नीचे आपको कौन सा बढ़िया स्मार्टफोन मिलेगा इन दिस बिग बिलियन डे सेल ऑफ फ्लिपकार्ट जो 23 तारीख से चालू होने वाला है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मोस्ट ऑफ दिस फोन्स आर फ्रॉम द चाइनीज मार्केट, मतलब चाइना के जो फोन्स होते हैं ओप्पो वीवो रियलमी फलाना ढिमकाना जो भी है, इसमें से ज़्यादा आपको मिलेगा। सैमसंग का भी कुछ कुछ ऑफर्स है, नथिंग फोन आपको नहीं मिलेगा। बट वॉट आर द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट, आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग विथ पोको। पोको X4 Pro 5G मॉडल एक फ़ोन आता है जिसका प्रोसेसर आपको 695 स्नैपड्रैगन मिल जाएगा एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। मैं फीचर्स में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ बिकॉज यू कैन वॉच ए सेपरेट यू नो इन हैंड वीडियो ऑफ दैट जो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। बट पोको X4 Pro विल बी अ वेरी वाइज इन्वेस्टमेंट बिकॉज वो आपको अभी मिल रहा है 13,999, मतलब 14,000 में मिल रहा है, जो एक्चुअली 23,000 का फ़ोन है, 9,000 का एक्चुअली डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस। इट हैज़ अ फास्ट चार्जर ऑफ 67 वॉट्स एंड एमोलेड स्क्रीन एंड बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है एक्चुअली एंड द डिज़ाइन इज़ रियली गुड। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही खरीद लूँ, इतना बढ़िया फ़ोन है ये। इसके बाद आपका आता है ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो K10 5G। ये आपका डेमिसिटी 810 प्रोसेसर के साथ आता है जो काफ़ी सही है, 5000 mAh की बैटरी है एंड दिस दे कंसिडर इट लाइक द स्लिमेस्ट 5G+ फ़ोन। बट वो अलग बात, ये 26,000 के MRP के साथ आता है। बट ये आपको सारे बैंक ऑफर्स और जो भी प्राइस मैं बोल रहा हूँ दीज आर इंक्लूडिंग द बैंक ऑफर्स एंड जो जो ऑफर्स ऑफर्स जो आप लगा पाओगे वो लगा के हैं, तो वो आपको मिल जाएगा 13,500 रुपये में, विच इज़ अ क्रेजी डील। मतलब 25-26 हज़ार का फ़ोन आपको 13,500 में मिल रहा है, 10,000 से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। और अगर मेन फीचर्स की बात बोले तो ये 6GB वेरिएंट के साथ आता है, 128GB स्टोरेज, उसके बाद डेमिसिटी 810 प्रोसेसर के साथ आता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, पीछे 48MP कैमरा एंड 2MP कैमरा, सामने फ्रंट कैमरा में 8MP आपको मिल जाएगा, 6.5 इंच का ये HD+ LCD पैनल है, नॉट एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh का बैटरी है। सो इफ यू कंपेयर बिटवीन दिस एंड द पोको X4 4, आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू गो विद द पोको X4 4। बट किसी किसी लोगों का मतलब यू नो दे लव ओप्पो ओवर सम अदर ब्रांड्स, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दिस ब्रांड दैट इज ओप्पो। इसके बाद आता है आपका इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G, जिसका एक्चुअल MRP है 25,000 और आपको ये मिलेगा सेल पे including all the bank offers 12,600 का, so this is really a good deal। इसके main features की बात करें तो आता है ये 8GB RAM के साथ, 128GB स्टोरेज, Demicity 810 5G प्रोसेसर है, पीछे 108MP है, 2MP डेप सेंसर है, 2MP का मैक्रो सेंसर है, सामने का कैमरा में 16MP है एंड 6.7 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले एंड 5000 mAh की बैटरी है। यू आस्क मी टू कंपेयर बिटवीन दिस फोन इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G एंड पोको X4 प्रो 5G, तो आई विल डेफिनेटली आस्क कि गो विथ इन्फिनिक्स बिकॉज ऑफ द फीचर्स एंड द स्पेसिफिकेशंस जो यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यू नो इन्फिनिक्स इज मतलब उतना नहीं दिखता है, मतलब एटलीस्ट टू मी उतना नहीं दिखता है लोगों में, सो दैट्स वाई पीपल डू नॉट टेन टू बाई दिस प्रोडक्ट उतना, मेरे को पता नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई सर्कल जितना मैंने देखा है, सो रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। सो इसके बाद आता है एक्चुअली मोटोरोला का, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं बट मैं आपको एक बढ़िया सा मॉडल बोल रहा हूँ जो 15,000 के नीचे आ रहा है, दैट इज मोटो G62 5G। आपको इसका प्राइस जानना है मैं बता रहा हूँ, ये 22,000 के MRP के साथ आता है बट आपको ये सारे ऑफर्स मिला के 14,500 में मिलेगा, विच इज अ रियली गुड डील। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोटोरोला फोन्स बहुत रिलायबल होते हैं, मैंने अभी मेरा एक मोटोरोला का सेट अभी भी काम कर रहा है, कितना 5 साल हो गया, इट इज़ वर्किंग रियली फाइन। तो मोटोरोला इज अ रियली ट्रस्टेबल ब्रांड। तो इसका जो स्पेसिफिकेशंस है, की स्पेसिफिकेशंस, वो मैं आपको बता देता हूँ, 6GB का रैम आता है, 128GB स्टोरेज, Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर आता है, जिसे 5G प्रोसेसर एंड पीछे रियर कैमरे में आपको 50MP का मेन शूटर मिलेगा, उसके बाद 8MP और 2MP के एक्स्ट्रा सेंसर्स भी है, सामने आपको 16MP का कैमरा मिलेगा एंड दिस इज नॉट एन एमोलेड स्क्रीन, ये आपको 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी है एंड जो रिमेनिंग डिटेल्स है वो आप एक रिव्यू वीडियो देख लो तो आपको बढ़िया लगेगा। बट दिस इज अ रिलायबल फोन, इफ एनीवन आस्क्स मी बिटवीन पोको X4 Pro 5G and this phone, I will definitely go with Motorola because of the brand trust that I have towards Motorola. Otherwise, both phones are near about similar, but इसमें 120Hz का पैनल भी आता है, तो you know,
कहीं कहीं पे थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस है, तो कहीं कहीं पे लाइक आपका प्राइसेस थोड़ा कम कर देगा तो डिस्प्ले हर्ट्स बढ़ा देगा, या फिर बैटरी कम हो जाएगा, या फिर कुछ और कम हो जाएगा. तो दैट इज़ वॉट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज योर प्रायोरिटी. सो द फिफ्थ फोन इन द लिस्ट इज रियलमी 9 Pro 5G. ये आपका MRP के साथ आता है 22,000 और ये आपको मिल जाएगा अभी 15,000 में, एग्जैक्टली 14,999 में मिल जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द की फीचर्स, तो इसे 6 GB रैम और उसके बाद रोम आपका 128 GB मिल जाएगा, 695 स्नैपड्रैगन, पीछे 64, 8, 2 मेगापिक्सल के कैमरास 3 एंड सामने 16 मेगापिक्सल के कैमरा. एंड इज नॉट एन एमोलेड स्क्रीन, दिस इज 6.6 inch फुल HD स्क्रीन, 5000 mAh की बैटरी. सो नॉट मच ना, मतलब डिफरेंस उतना ज़्यादा है नहीं ये मोटरोला इन्फिनिक्स और इनमें से, मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर है, किसी में एमोलेड है तो किसी में 120Hz है, किसी में ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है, किसी में जूम ज़्यादा होता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर बाइंग. एंड द लास्ट फोन दैट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे इज द सैमसंग F23 5G. इसका प्राइस अभी तक, द मोमेंट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट ये MRP के साथ आता है 16,000 द बेस वेरियंट, 4 GB रैम और 6 GB रैम आपका आता है 17,000 का. तो इवन इफ आई एम कंसिडरिंग 6 GB रैम 17,000 का आता है, तो ये आसानी से आपका 13,000 में तो आने वाला है ही, 13,000 में ये आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग द बैंक ऑफर्स एंड एवरीथिंग. बट इसमें की फीचर्स क्या है, दिस अ रियली नाइस फोन, सैमसंग का UI जिन लोगों को पसंद होता है वो बहुत बढ़िया लगेगा. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस वन पर्टिकुलरली, मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी से, एंड आई एम वेटिंग फॉर द प्राइस ऑल्सो. बट द की फीचर्स जो है यहाँ पे, 6 GB वेरियंट के साथ 128 आपका स्टोरेज मिल जाएगा, 750 G आपका स्नैपड्रैगन मिल रहा है, दिस इज रियली रियली क्रेजी एट दिस प्राइस पॉइंट. और आपको पीछे 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, सामने आपका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा. दिस इज नॉट एन एमोलेड स्क्रीन, दिस इज 6.6 inch फुल HD प्लस स्क्रीन एंड 5000 mAh की बैटरी है. तो व्हाट मेक्स मी कंसिडर दिस फोन, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर, बिकॉज ये मेरा एक ऐसा फोन होगा, बिकॉज आई यूज iPhone एज आई टोल्ड यू, तो हर वो चीज़ मेरे को एक ही फ़ोन में नहीं चाहिए, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम डू विद दिस फोन. तो मेरे को एक बढ़िया सा परफॉर्मिंग फ़ोन चाहिए जो काफ़ी सारे ऐप्स चला पाए, यू नो, एंड वो रिलायबल हो, यू नो, द ड्यूरेबल हो. सो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, आउट ऑफ दिस 6 फोन्स दैट आई डिस्कस्ड विद यू अंडर 15,000 बजट, आई एम प्लानिंग टू बाई सैमसंग F23 अनटिल एंड अनलेस देर इज सम मैजिक हैपन्स, जहाँ पे मतलब बढ़िया सा कोई फ़ोन है लाइक सैमसंग A52S 5G या फिर नथिंग फोन आपका 15,000 के ब्रैकेट में आ रहा है, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट माई डिसीजन. सो दीज आर द 6 फोन्स, आप चेकआउट करो सारे फोन्स एंड चेक विच वन यू वॉन्ट टू बाय. सो जल्दी जल्दी खरीद लो, नहीं तो स्टॉक आउट हो जाएगा, तो आपको मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी. एंड इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज मैं ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो डिसाइड करने में कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, आपके बेहतर के लिए है. वीवो का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वीवो के भी फोन्स अवेलेबल है लाइक T144W समथिंग, ऐसा कुछ नाम है, नहीं लिया बिकॉज मतलब इट डजेंट, मतलब अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो ना 15,000 में, तो आपका वो एक फैक्टर भी बनता है कि आप उसको कैरी कर रहे हो, और वो फ़ोन अगर उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो एक दो कंपनी सेम डिज़ाइन में फ़ोन बना रहा है तो मज़ा नहीं आएगा. एक्चुअली क्या है, जो ये वीवो का T1 फोन जो आपको 15,000 के नीचे अच्छा फीचर्स के साथ मिलेगा, वो एक्चुअली IQ का एक फ़ोन है Z6, उसके साथ एग्जैक्टली दिस द सेम मॉडल, जस्ट ब्रांडिंग बदल के, मतलब वो वीवो वहाँ पे IQ00 ऐसा कुछ नाम है देके भेज रहा है. तो दैट इज़ द रीज़न आई लाइक, यार जो भी फीचर्स दे रहे हो मेरे को नहीं लेना है, बिकॉज इफ आई एम बाइंग समथिंग, मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, तो इट मस्ट लुक डिफरेंट, इट मस्ट कैरी दैट स्टाइल स्टेटमेंट, सो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलॉन्ग विद द फीचर्स, बिकॉज फीचर्स बाहर के लोग नहीं आते हैं देखने, बाहर के लोग आपका फोन बाहर से देखते हैं, है कि नहीं. सो दिस ऑल्सो लुक्स मैटर्स, है कि नहीं. सो इसीलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ. एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कौन सा फोन आप लेना चाहते हो, या फिर कौन से फोन के बारे में, या फिर कौन से पर्टिकुलर चीज के बारे में इन दिस होल बिग बिलियन डे सेल आप लेना चाहते हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पसीना निकल रहा है, बट आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है. सो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मिलते हैं आप सबसे जल्दी खोलो के अगले एपिसोड में. थैंक यू.